हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। ये वीडियो 9 सितंबर 2020 सेकंड शिफ्ट हिंदी के पेपर का पार्ट टू है। ये वे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आप लोगों ने पार्ट वन में कमेंट कर जानना चाहा था। इसके पहले ऑलरेडी इसका पार्ट वन आ चुका है जिसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे। इस वीडियो में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इसके पार्ट वन को देख सकते हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था आपसे कि हिंदी क्या है, तो ऑप्शंस दिए गए थे आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों, और एंड फोर्थ ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी जो है वो संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, तो अगर आपने राजभाषा पे टिक किया होगा तो इसके टोटल 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या था, तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिनमें से एक रविंद्रनाथ द्वारा रचित था जिसका नाम गोरा था, और बाकी के जो ऑप्शंस थे वो रविंद्रनाथ द्वारा रचित उपन्यासों में से नहीं थे। तो अगर आपने गोरा टिक किया होगा तो इसके भी 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, न्यायालय जैसे न्याय से संबंधित है उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शिक्षा। न्यायालय जैसे न्याय देता है, विद्यालय ठीक उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान करता है। अगर आपने शिक्षा पे टिक किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपका सही रहेगा। अगला है, साथ सुधरेगी सात सतंगी में प्रयुक्त अलंकार बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगर आपको इस आंसर में कुछ डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार के अलावा इसके क्या आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में उपमान और उपमेय को स्पष्ट करें, तो इस पंक्ति में उपमान जो है वो पीपर पात है जबकि उपमेय जो है वो मन को कहा गया है। तो अगर आपने इस तरीके से जो ऑप्शन रहा होगा उसको टिक किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी जो थे उनका जन्म आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी, तो भारत में जो पहला मनोविज्ञान विभाग और पहली मनोविज्ञान शाला या फिर प्रयोगशाला थी वो 1916 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। अगर आपने कोलकाता टिक किया होगा तो ये क्वेश्चन आपका सही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो कि 1905 में बनाया गया था उसके निर्माता कौन थे, तो उसके निर्माता बिने और साइमन थे। नेक्स्ट है, लेखन संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है, तो लेखन संबंधी जो डिसेबिलिटी होती है, जो असक्तता होती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि पठन विकार से जुड़ी अधिगम असक्तता क्या कहलाती है, तो पठन विकार से जुड़ी जो अधिगम असक्तता होती है जिसमें 100 वाज में बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर की रचना किन्होंने करी थी, तो अर्धनारीश्वर नाम से कई लेख लिखे गए हैं। अर्धनारीश्वर जो है वो विष्णु प्रभाकर रचित उपन्यास भी है और इसके साथ ही अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध संग्रह भी है। यदि क्वेश्चन में ये क्लियर किया गया होगा कि अर्धनारीश्वर नामक निबंध संग्रह की रचना किन्होंने करी थी तो फिर रामधारी सिंह दिनकर सही होगा, और अगर क्वेश्चन में ये रहा होगा, ये क्लियर किया गया होगा कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास की रचना किन्होंने करी थी तो फिर विष्णु प्रभाकर राइट होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं किया होगा और ऐसे ही रहा होगा कि अर्धनारीश्वर की रचना किन्होंने करी थी तो फिर आपने अगर विष्णु प्रभाकर या फिर रामधारी सिंह दिनकर जो भी टिक किया होगा आपको इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ब्लूप्रिंट किस कार्य में सहायक है, तो ब्लूप्रिंट जो है वो प्रश्न पत्र निर्माण में सहायक होता है। 38 में पूछा गया आपसे कि उपचारात्मक परीक्षण से पहले की प्रक्रिया क्या है, तो निदानात्मक परीक्षण या फिर निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, क्योंकि उपचारात्मक परीक्षण जो होता है वो सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कारणों का सही पहचान किया या फिर नहीं किया। यदि आप उनकी जो डिसेबिलिटी है या फिर उनको जो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसके सही कारणों की पहचान नहीं कर पाओगे तो आप बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रयोग में नहीं ला सकते। इसलिए सबसे पहले जो जरूरी है वो निरीक्षण है, इसका करेक्ट आंसर निरीक्षण होगा। अगला है कि जियोन ड्यूवी किसका पक्ष बताते,
तो जॉन ड्यूवी जो है वो प्रयोजनवाद का पक्ष बताते हैं। अगर आपने प्रयोजनवाद को टिक किया होगा तो इसके भी फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 किसका सुझाव नहीं देता, तो एनसीएफ 2005 जो है वो एकल पाठ्यक्रम निर्धारित करना इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता है। तो अगर आपने इसको टिक किया होगा तो इसके भी वन मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है कि लड़की होकर अपने भाई की तरह बात मत करो, यह पंक्ति दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता या फिर जेंडर पक्षपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है जब किसी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो क्या कहलाती है, तो ये अतिशयोक्ति कहलाती है। जब हम किसी छोटी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वो अतिशयोक्ति कहलाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से रहेगा कि क्या आवारा मसीहा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि क्वेश्चन ये रहा हो कि आवारा मसीहा किनकी जीवनी है या फिर कुछ भी। अगर आवारा मसीहा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, क्योंकि इस पे मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आवारा मसीहा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया था और उसका सही उत्तर क्या था, ये भी आप बता सकते हैं, या फिर क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, ये आप कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।